So guys, guess where we are? Hyderabad! Hi guys, welcome to my vlog, welcome to my channel. मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है but अभी तक की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, कहानी मेरी ज़ुबानी. तो अभी तक क्या हुआ, सबके थोड़े से मुंह उतरे हुए हैं तो मैंने सोचा मैं ही बता दूँ. तो हम लोगों की ट्रिप स्टार्ट हुई थी ग्वालियर से, ये लोग वहाँ से यहाँ दिल्ली आने के लिए निकले और ट्रेन इन लोगों के जस्ट सामने खड़ी हुई थी. उसी टाइम मेरे पास एक फ़ोन आता है. हेलो. हेलो यार, एक प्रॉब्लम हो गई है. क्या हुआ? मैं अभी स्टेशन पे खड़ा हूँ, गाड़ी सामने आ गई है और मैं कैमरा बैग घर पे भूल गया हूँ. व्हाट डू यू मीन, कैमरे का बैग छूट गया? शिट 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 शिट, अब कैसे होगा? कैमरा का पूरा का पूरा बैग घर पे भूल आए और ट्रेन में इन लोगों को चढ़ना था. पहले तो मुझे ये लगा कि ये लोग मुझ पर प्रैंक कर रहे हैं, बट मुझे रियलाइज़ हुआ जब दो तीन बार मुझे बोला गया कि हम कैमरे का बैग भूल आए हैं और हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं. तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है. कैमरे का इतना बड़ा बैग है इन लोगों का, जिसमें 50-60 कैमरे तो होंगे. नहीं नहीं, 50-60 कैमरे, छोटे छोटे माइक, कैमरे का सामान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनकी छोटी छोटी, पूरा बैग. मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कैमरे का बैग भूला है. बट देन पूरे रास्ते ऑब्वियसली ये लोग सैड रहे. ये तो पता नहीं कौन सी अलग दुनिया में चला गया था. रिक्की भी काफ़ी उदास रहा पूरे ट्रिप पे. अभी से बोलना शुरू कर कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो बता कि मैं कितनी नीचे चला जाता हूँ सीमा में, कुछ याद नहीं रखता. एक ट्रिप पर जा रहा हूँ जिसकी एक जिम्मेदारी दी गई थी मुझे और मैंने ना उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभाया. मैं इससे पहले भी अपनी जिम की पार्किंग में भी कैमरा छोड़कर आ गया था मैं. मेरे को कोई मतलब नहीं है भैया के कितने भी नुकसान हो, मैं बहुत लापरवाह इंसान हूं, बहुत नुकसान. भैया के घर पे एक पेड़ उग गया जिससे पैसा लगता है, जिससे भैया हाल तोड़ के ना कैमरा खरीद लेता है नया, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कहीं पर भी. क्या दिक्कत है, भैया अंडमान में ले लेगा नया कैमरा, जहाँ जाएंगे वहाँ शूट पे नया कैमरा करेंगे. बिल्कुल भी ऐसे जरम जरम नहीं आता कुछ भी. देखिए ऐसे तो अभी बोर्डिंग पास लेके पाड़ दूंगा. देखिए वन स्टेप नोबडी इज वाचिंग. भाई ग्वालियर से दिल्ली आ गए, कैमरा बैग ही नहीं ला पाए थे, अलग से एक बंदे को पैसे दे के बुलवाया गया है, भाई बैग दे के चले जा. अब इस बात की पनिशमेंट हम रिक्की बोला सब देखने लग गए मैं कि अभी करने वाला ना. और रिक्की की पनिशमेंट ये है कैमरा ना लाने की और मेरे पैसे ठुकने की एक्स्ट्रा, की वो यहाँ पर बीच एयरपोर्ट पे एक डांस स्टेप करके दिखाएगा. अच्छा ये गाना वही वाला गाना तो लागे छूटे ना लागे छूटे डांस कर रहा है. अरे यार वो इतना इजी नहीं है, तभी तो अंदर से फील आएगा. अरे मैं नहीं घूम रहा यार. 1 2 3 कम ऑन. ये टॉपिक चेंज मत कर, घूम के देखा जाएगा. अच्छा मैं नहीं देख रही, घूमना इज माय डैड चीज. ये कोई नहीं देख रहा. हम तेरी पागल दूसरा कौन था? अभी आपने देखा ना कि रिक्की किस तरीके से डांस कर रहा था, पनिशमेंट मिली थी उसको. तो इसकी वजह से ही भूले थे, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान की गई थी कि कौन कौन क्या क्या किस चीज़ लेकर आएगा और सभी लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी की. पर एक ही इंसान जिससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे. यश ने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की थी कि तुम ये लेकर जाओगे तुम ये. रिक्की को बोला था कैमरे का बैग, रिक्की को लगा ओ मैंने अपनी शर्ट टी शर्ट सब रख लिया है वो वाला बैग लेना है. रिक्की ने मस्त अपना बैग उठाया. रिक्की से हाय अगेन. तो रिक्की ने सोचा मैं फुल सेट हूँ. फिर एक दोस्त को बोला, वो हमारे जस्ट पीछे वाली ट्रेन में बैठकर आकर पूरा कैमरे का बैग देके गया. उठाकर दिखाइए जरा. शाउट आउट टू रमन. पूरा बड़ी बात ये, एयरपोर्ट के अंदर तक आके देके गया यार. मैंने कहा देखो अंदर कैसे आने दिया. क्या बोला? तो बोला मैंने ना नकली टिकट बना दिया था. वो एक ट्रैवल एजेंट है, ही नोज एवरीथिंग. ठीक है, उसका चेहरा और नाम छुपा देना नहीं तो पकड़ा जाएगा बेचारा वो. चलो बाकी थैंक यू भाई लाने के लिए.
वरना पूरी ट्रिप पे बीटी होती रहती कि क्या हो गया पूरे रास्ते भर से तो हो ही रही थी, बट अभी ठीक है थोड़ा सा। कैसा लग रहा देख के? भाई तगड़ा लग रहा है यार, ऐसा बैठने के पहली बार बैठ रहा भाई, मेरे को तो अलग ही फील आ रहा है यार। सिमुलेशन में उड़ाया अभी तो मैंने फिलहाल तो। एक्साइटेड है? मैं सोच रहा हूँ कि जब आसमान में होगा तो झूले वाली वो आएगी क्या गुदगुदी? गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज अजय किंग। आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। 100 पे अपन बात खत्म करते हैं डील। खत्म हो गई, 100 में बात भी हो गई अपनी तो यार आपको पता ही नहीं। टैनिंग हो गई यार, टैनिंग मेरे को खुद हो गई कितनी। ये तो तेरा नेचुरल कलर है भाई, सफेद अंडे जैसा लगता हूँ मैं, देसी अंडा। गजब बेइज्जती है। ठीक है देसी ठीक है यार, लेकिन एक चीज है, अपने प्रॉपर्टी बहुत सही चूज कर ली, तेरी चॉइस तो अच्छी है। अरे स्टार्टिंग में मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था भाई कि मतलब फोटोज में इतनी अच्छी दिख रही है, रियल में होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ पर आया तब रियलाइज किया ना। ऑल्सो गाइस, इफ यू आर वंडरिंग वेयर वी आर स्टेइंग एट मानसा पैलेस। और इस प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि एयरपोर्ट से केवल 10 मिनट की दूरी पर इधर का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए आपको दिखाते हैं। और दूसरी अच्छी चीज़, यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जैसे पूरा माफिया वाली फील आती है। यहाँ पर पूरा सी व्यू है, सारे बोट्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ रूम के बगल में जो ये बालकनी है, यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है ना, पूरा सी व्यू, सामने यॉट वगैरह खड़ी हुई है और बहुत बड़े बड़े जहाज़ खड़े हुए हैं यार। यहाँ तो बहुत ही गोल्डन आवर्स में आए हुए हैं हम लोग, यहाँ पर सनसेट होने वाला है। मैं ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जब मैं अंडमान के लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहा था ना, मुझे इससे अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दिखी। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना ऐप पर या फिर जितना फ़ोन में नहीं देख पा रहा हूँ पिक्चर्स के थ्रू, सामने से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार ये, यहाँ से जो व्यू आ रहे हैं सारी चीज़ें। अगर आप लोग यहाँ पर पीस के लिए आ रहे हो ना, बहुत अमेजिंग जगह है यार ये। यहाँ से जो शिप आ रहे हैं ना, ये बहुत डिफरेंट शिप आ रहे हैं। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है यहाँ से, बहुत बड़े बड़े शिप और पूरा सामान वामान रखा हुआ है इनके ऊपर। आपको एक कैमरे में बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे होंगे, लेकिन सामने से देखोगे ना तो पता चलेगा आपको कितना पास है। और ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ अनरियल, बट एक्चुअल में जब भी मैं पानी को देखता हूँ ना, मुझे अनरियल ही लगने लगता है, क्योंकि दिखने में इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है, लेकिन ख़तरनाक भी होता है। और जब भी मैं समुद्र को देखता हूँ ना, और जिसका कुछ एंड नहीं होता, तब बहुत अजीब लगने लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि ये क्या है यार, जिसका एंड ही नहीं दिख रहा है। ये है हमारा रूम 303, ये लिविंग रूम है। यहाँ पर हम रात के टाइम पे बैठ के ऊनो खेलते हैं। ये बेड, और ये जगह मुझे बड़ी पसंद आई भाई, यहाँ पर मस्त फोटोज़ ले रहा होता हूँ अपने पोजिंग के, ऐसे बार बार चेक करते रहो, सेल्फीज़ लेते रहो। यहाँ सारे कपड़े रख लो, ये रहा वॉशरूम। और सबसे अच्छी चीज, ये शानदार सी बालकनी है। मेरा बड़ा मन है यार, ऐसे ग्लास की बालकनी होनी चाहिए मेरे घर पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी जस्ट शेडो और बगीरा को घुमा के आ रहा था मैं, उसके बाद में अपनी मील ली थी मैंने घर पे, और उसके जस्ट बाद मेरी नींद खुल गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पर अंडमान में आया हुआ हूँ। यहाँ पर हर बीच पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और वो सभी लोग कचरा फैला देते होंगे, तो इन लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इधर डाल दिया है और ये पूरी व्हील के आसपास ऐसे लगा के रख दिया है, तो काफ़ी मीनिंगफुल है वैसे तो ये, सिखाने के लिए टूरिस्ट वगैरह को सभी को कि किस तरीके से समुद्र में गंदगी नहीं फैलानी। पहले सिटी बीच पर गए जहाँ पर बहुत सारी भगदड़ थी, मोस्टली टूरिस्ट वहीं पर ही जाते हैं, और जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि लोकलाइट से कांटेक्ट करो और पता करो कि यहाँ पर बेस्ट जगह क्या है। तो हमारे जो प्रॉपर्टी के होस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया जो
आइसोलेटेड बीच है, तरह तरह के बीच है जहाँ पर लोग आते ही नहीं, तो हम आ चुके हैं यहाँ। वेलकम टू न्यू वंडूर बीच। कह रहा है कि जो ये है बगर आता है मेरे सामने। सही में? हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया थे। अब इसको उठा के पानी में रख दूँ। यू श्योर चलेगा? हाँ पक्का चलेगा। इधर रखियो यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ये देखे भी। इधर इधर, हाँ इधर इधर। ये देखिए, वो चलने लगा, वो चल गया भाई। वो बगर बड़े बड़े पैर है, कैन यू सी इसके कितने बड़े पैर है। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। इसके तो 6-7 पैर है। ये देखो, ये भी चलता है। पकड़ो पकड़ो, ये ले भाई, ये ले। पकड़ा देना। इतना हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब एग्जैजरेट क्यों कर रहा है सिचुएशन। क्रैब क्या पे है इसका भाई? बर्गर कितने का आपके कैफे में? क्रैबी है भाई, क्रैब पैटी चाहिए थी भाई। इसकी आंखें कितनी छोटी है भाई, खा जाएगा। कितनी छोटी आंखें। व्हाट द हेक मैन, कैन यू प्लीज गिव अस सम टाइम। यार वो चुपके से आता ना, प्रिपेयर हो जाते हैं ना जब लोग प्रैंक के लिए, तो क्या वो रिएक्शन नहीं आ पाता, कंटेंट छूट गया यार। चप्पल भी लाइक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। रेस्ट तो नहीं है यार भाई, एक आध केकड़ा नहीं आ जाए यार क्रोकोडाइल। कुंभ के मेले में एक हमारा बगीरा का सौतेला भाई वो बिछड़ गया था, यहाँ पर हमें मिल गया है। हाय ब्रो, वो कितना पिलपिला है, खरगोश जैसा रखा भाई, क्यूट है। इससे हाथ दूर हटाओगे ना तो पूंछ लाएगा। पूंछ ला ब्रो, उसके अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए। ये ले, सही में आता है चेस्ट। ये मस्त बीच पे मजे ले रहा है। तो अभी बीच पर कुछ कुछ शॉट्स लेने थे, वो शॉट्स ले लिए। अब उसके बाद मैं सोच रहे हैं कुछ कुछ वर्कआउट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए, कुछ कुछ फैट बर्निंग वीडियोस जो होते हैं वो। बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है, वैसे मैंने प्लान किया हुआ था कि बनाना है उनको, बट किसी जिम में, घर पर, किसी गार्डन में बनाने की जगह ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। वी आर रेडी, आ जा रिक्की। तो जो शॉट्स लेने थे वो शॉट्स ले लिए। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बिताने के लिए हम लोग को अंदर जाने लगे, तो एक पुलिस वाले भैया आते हैं, वो बताते हैं कि बेटा अंदर मत जाओ, क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पर, जानवर वानवर, विषैले जानवर, जहरीले जानवर मिल जाएंगे तो काट वाट लेंगे। फिर मेन तो क्रोकोडाइल का सीन था ना, तो मैंने पूछा फिर जहाँ पे मैं रुका हूँ उनको कॉल करके, मैंने कहा सच में क्रोकोडाइल हैं यहाँ पे? वैसे तो नहीं आते हैं बट किस्मत की बात है, तो मैंने कहा किस्मत पे नहीं डालते। फिर अभी बाहर निकल कर आ गए, कपड़े पूरे भीग चुके हैं, स्टैंड वगैरह लगी हुई है, नारियल पानी ले लिया। वो पानी बहुत है भी इसके अंदर, इतना सा नारियल पानी इतना सारा है इसके अंदर। 8 बजे निकले थे, 7:30 तक यहाँ आ गए थे, और अभी 12:30 हो रहे हैं। 5 घंटे ऑलमोस्ट यहाँ पर रहे। अब चलते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है हमारा होटल। सारे शंख जिंदा देखते हैं, इधर चलते हुए देखते हैं, इधर की रिंग बने हुए। इतने छोटे होते हैं पे, इतना छोटा क्यों है? पानी ज़्यादा है इसमें। शैबी नाम है इसका। शैबी, आपको कैसे पता? आपने रख दिया। जाइना कम, जाइना, ए डील डन। जाइना, ये अब आप डील नाम लेके बोलो यार, ऐसे नहीं। शैबी डील, अभी आपने शैबी बोला था, डायना वो डायना, ये शैबी नहीं। डायना को दिख रहा है ना, ये फेक खाना इनके हाथ में है, नहीं फेक कर रहे हैं।